हेलो एवरीवन, वेलकम इन गौरी टॉक्स। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपने फेवरेट काले चने के छोले की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सरसों के ऑयल का यूज़ किया हुआ है। सरसों के तेल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अभी ठंडियों का सीज़न चल रहा है, सो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच ऑफ जीरा। इसके साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर तेज पत्ता। मैं यहाँ पर तेज पत्ता तोड़ के डाल रही हूँ, अगर आप चाहे तो अखा भी डाल सकते हैं, पर मुझे तोड़ के डालना ज़्यादा पसंद है। और उसके साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक ये मैंने कूट कर डाला है और साथ में मैंने डाला है करी लीव्स। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज का पेस्ट। इसे हम अच्छे से भून लेंगे तब तक जब तक कि प्याज तेल ना छोड़ने लगे। और अब मैं इसमें 2 बड़े टमाटर का पेस्ट, जो मैंने पहले से ही पीस के रखा हुआ है, उसे डाल दूंगी। और अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब उसके बाद में मैं इसमें बेसिक मसाले डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, लाल मिर्च। ये मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब ये जो काले चने हैं, ये मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे और उसके पानी के साथ में मैं इसे अंदर डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से मिलाकर मैं इसे 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैंने इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। आप इसे पका ले अच्छे से। और अब ये रेडी है और ऊपर मैं इसमें हरा धनिया डाल दे रही हूँ। और ये लीजिए, तैयार है हमारे झटपट काले चने के छोले की रेसिपी। ये बनाने में बहुत इजी है और खाने में उतना ही टेस्टी।